हेलो दोस्तों नमस्कार मैं मंटू सर यह वीडियो बिहार बोर्ड का बारहवीं कक्षा का जो हिंदी का किताब है सौमर्स का उसमें से प्रोज सेक्शन से तीसरा चैप्टर जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति तो संपूर्ण क्रांति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसलिए वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो तीसरा पार्ट का नाम आपका है संपूर्ण क्रांति जो कि एक भाषण है यह भाषण जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था इनकी जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को इनको मैक्से सम्मान भी मिला था और संपूर्ण क्रांति एक भाषण है और यह भाषण दिया गया था उन्नीस में पहला प्रश्न आपका है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था तो आंसर आपका हो जाएगा बाउल बाउल इसलिए कहा जाता था क्योंकि चार वर्ष तक इनको दांत नहीं आया था दूसरा प्रश्न आपका है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया तो आंसर अमेरिका जयप्रकाश 1924 क्वेश्चन लोकनायक के नाम से जाना जाता है तो आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण पांचवा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया पांचवा आपका प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया तो आंसर आपका हो जाएगा उन्नीस सौ चौहत्तर ईस्वी क्वेश्चन नंबर छः जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था तो आंसर आपका हो जाएगा सिताब दियारा याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सात जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिला उन्नीस सौ अंठानवे ईस्वी को और मैंने शुरू में बताया था कि इनको मैक्से से सम्मान भी मिला था क्वेश्चन नंबर सात आपका है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिला तो आंसर आपका हो जाएगा उन्नीस सौ अंठानबे ईस्वी क्वेश्चन नंबर जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था तो आंसर आपका हो जाएगा हर्षोद्याल क्वेश्चन नंबर नौ फ्री प्रेस के मालिक कौन थे तो सदानंद जी क्वेश्चन नंबर दस संपूर्ण क्रांति भाषण जयप्रकाश नारायण जी ने कब दिया तो पटना में दिए थे पांच जून उन्नीस को क्वेश्चन नंबर ग्यारह रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है तो आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी बारह नंबर जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या, क्या नाम था तो आंसर आपका हो जाएगा प्रभावती तेरह नंबर किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलो तक तो इस देश की जनता को जाना है तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू क्वेश्चन नंबर चौदह जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी करने वाले डॉक्टर का नाम क्या था तो डॉक्टर रहमान क्वेश्चन नंबर पंद्रह जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली तो आंसर आपका हो जाएगा स्वामी सत्यदेव क्वेश्चन नंबर सोलह जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने तो आंसर आपका हो जाएगा उन्नीस सौ ईस्वी सत्रह नंबर आपका प्रश्न है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ तो आंसर आपका हो जाएगा उन्नीस में तो ये आपके हो गए पार्ट तीन जो कि एक संपूर्ण क्रांति है ये चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते थे वह मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया अब वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद हो जाएगा ओके धन्यवाद